हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है सिंपलीफाई द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, सिंपलीफाई करना। हमारे पास है 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 प्लस 6 प्लस 7 माइनस 6 है। तो देखो ये हमारा किससे होगा, बौद्ध मास है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, बौद्ध मास। ठीक है, हमें इसको बौद्ध मास से अनुसार करना पड़ेगा। क्या रूल्स है, B4 हमारा होता है ब्रैकेट। अगर हम देखेंगे B4 ब्रैकेट, तो ब्रैकेट हमारे पास यहाँ है नहीं। ब्रैकेट क्या होता है, ये सबसे बिग ब्रैकेट होता है, ये कर्ली ब्रैकेट होता है, और ये स्मॉल ब्रैकेट होता है। ये स्मॉल ब्रैकेट सबसे पहले ये खुलेगा, फिर ये खुलता है, ये खुलता है, अगर ब्रैकेट होते तो। ठीक है, ओ फोर हमारा ओ से ऑफ, ओ से हमारा क्या होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होगा अगर एक नंबर बाहर है एक ब्रैकेट के अंदर, तो ये ऑफ कहलाता है, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में। ओके, अब हमारा डी फोर क्या होता है, डिवाइड। डी फोर हमारा क्या होता है, डिवाइड। एम फोर हमारा होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, और ए फोर एडिशन, और एस फोर सब्ट्रैक्शन। तो इस ढंग से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। सबसे पहले हमें ब्रैकेट खोलने होते हैं, अगर ब्रैकेट है तो वो भी उसमें सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, सब कर्ली ब्रैकेट, और लास्ट में बिग ब्रैकेट। उसके बाद ऑफ खुलता है, उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन, एंड लास्ट में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले इसमें तो ब्रैकेट नहीं है, लेकिन डिवाइड तो है। इसका मतलब सबसे पहले हमारा क्या होगा, डिवाइड होगा। तो डिवाइड 6/3 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 7 माइनस 6। इसको डिवाइड करेंगे, 3 2 6, तो क्या आएगा, 2 × 4 प्लस 6 इंटू 7 माइनस 6। ओके, अब हमारा क्या होगा भाई, डिवीजन का क्या, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों मल्टीप्लाई एक साथ होंगी। 4 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस 6 7 42, और माइनस। अब क्या होता भाई, एडिशन होता, तो एडिशन कर दो इनको। 42 8 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और माइनस क्या है, 6। भाई 50 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, 44। हमारा 44 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके?